नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पे जहानाबाद के निजी स्कूल के संघ द्वारा आज काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। जहानाबाद अम्बेडकर चौक से लेकर जहानाबाद समरणालय तक उन लोगों का प्रदर्शन था। जहानाबाद के जो प्राइवेट स्कूल के संघ हैं, इन लोगों ने जहानाबाद जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन लोगों की कई मांगे हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। निजी विद्यालय को मुआवजा देना होगा। बिहार पब्लिक स्कूल एवं चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्राइवेट स्कूल के साथ सरकार की मनमानी के खिलाफ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की शुरुआत अंबेडकर चौक स्थित किड्स गार्डन स्कूल से किया गया, जहां जिले के तमाम स्कूल संचालक काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीएम ऑफिस पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उसके उपरांत डीएम ऑफिस से पैदल मार्च निकालकर पुनः अंबेडकर चौक पर समाप्त किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा निजी विद्यालय संघ ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार के निजी विद्यालय एवं निजी शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। हजारों की संख्या में निजी विद्यालय हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और रोज बंद होने के कगार पर खड़े हैं। लाखों की संख्या में निजी शिक्षकों की हालत भुखमरी जैसी हो चुकी है। कई निजी विद्यालय संचालकों एवं निजी शिक्षकों ने हालत के आगे मजबूर होकर मौत को गले लगा लिया, जिसकी खबरें आए दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को ज्ञापन देकर प्रतिपूर्ति की मांग की गई, परंतु निजी विद्यालयों की स्थिति फिर भी बदतर होती जा रही है। एसोसिएशन की मांग के बावजूद सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब इसके विपरीत परिस्थितियों में बिहार के निजी विद्यालयों एवं निजी शिक्षकों की आखिरी उम्मीद सरकार है। महामारी से बचाव में अपनी भागीदारी निभाते हुए वर्तमान समय तक विभागीय सभी आदेशों व निर्देशों का निजी विद्यालयों एवं शिक्षकों द्वारा पालन किया गया। वर्तमान संकट की स्थिति को देखते हुए बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगे की गई है। कोरोना काल में निजी विद्यालयों एवं शिक्षकों को आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा कम से कम 2.5 लाख प्रति विद्यालय सहयोग राशि दी जाए। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। आज हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना जीवन, अपना जन्मदिन शिक्षकों के नाम पर न्यौछावर किए थे और शिक्षक दिवस मनाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में संकल्प लेकर के मनाए थे। लेकिन आज जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, शिक्षकों की इस बदतर स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे शिक्षक भाई आज भुखमरी के कगार पर हैं। कुछ शिक्षक संचालक जो हैं फांसी लगाकर मर गए। अब बद से बदतर स्थिति हो गई है, इसलिए हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक निजी विद्यालय संचालकों और शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक। इसलिए हम लोग काला बिल्ला लगा करके और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करे। पूरी नहीं करेगी तो फिर हम लोग की आप प्रमुख मांगे बताइए। हमारी पहली प्रमुख मांगे हैं कि सभी निजी विद्यालयों को, खासकर उन छोटे विद्यालयों को जिनका अपना भवन नहीं है और भी जिनकी उनके संसाधन नहीं है, वो भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए उनको आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 2.5 लाख रुपया प्रत्येक विद्यालय संचालकों को दिया जाए ताकि वे अपने शिक्षकों का भी वेतन भुगतान कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
दूसरी मांगे हमारी है कि जो विद्यालय निबंधित है सरकार के पास 4 साल की बकाया राशि है और वह आरटीई की बकाया राशि जो है उस बकाया राशि को शीघ्र भुगतान करें जिससे विद्यालय संचालकों को राहत मिल सके। तीसरी मांगे हमारी है कि स्थिति को देखते हुए जिस विद्यालय को जितनी आर्थिक तंगी है उसके आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करें ताकि उनका विद्यालय बंद नहीं हो।